अगर आप वैक्सीनेटर की नौकरी करते हैं या फिर आपने अप्लाई किया है, आपका हुआ नहीं है या हो गया है, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं, नौकरी तो नौकरी के समान ही होता है। किसी के बस में रह के करना ये हर किसी के बस में नहीं है और हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो किसी की गुलामी करना उनको पसंद नहीं होगा। वो नहीं चाहते होंगे कि मैं किसी के नीचे काम करूं, लेकिन इसके लिए भी ऊपर वाला ने हमें ऑप्शन दिया है। आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस, खुद का सेटअप, खुद का कुछ न कुछ आप कर सकते हैं, चाहे छोटा से ही सही। मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास पूंजी नहीं होगी, लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान छोटा से ही बड़ा होता है। आपके पास जितना है ना, आप उतना में ही सोचिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे में कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। आजकल दुनिया में इतनी भीड़ है कि आप कुछ भी लेकर के निकल जाओ वो बिक ही जाना है, अगर आप बेचने के इरादे से निकले हो तो। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन दोस्त ये अपने आप के दिए हुए बहाने हैं, आप अपने आप को बहाने देते हो। अगर मेरी तरह आपकी सोच हो जाए तो कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीनेटर की अप्लाई किए हैं और उनका नहीं होगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और सोचेंगे कि इसके सिवा अब मैं क्या करूं, ये भी हाथ से निकल गया, वो डॉक्टर साहब मेरे को ज्वाइन क्यों नहीं किए। लेकिन मित्र मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं होता है, लेकिन आपका जीवन सिर्फ वहीं तक नहीं है। आप चाहें तो आप नया सोच करके एक अलग अंदाज से कुछ नया कर सकते हैं, चाहे वो रेड़ी लगाना हो, चाहे वो साइकिल पे बेचना हो या फिर मोटरसाइकिल पे बेचना हो, आप कर सकते हैं। और अगर आप बेचने के मिजाज से हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि घर रह करके आप पैसे कमा सकते हैं, किसी का नौकर नहीं बनना चाहिए, अपना खुद का एक मालिक बनना चाहिए। आप कुछ ऐसा कर दो कि लोग आपके पास आएं नौकरी के लिए, आपको कल्पना लग रहा होगा, आपको एक सपना लग रहा होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सुन करके ये सोचेंगे ये सब बकवास है, लेकिन दोस्त ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। आप किसी को नौकरी दोगे, अगर ये आपके मन में ख्याल रहेगा कि मैं किसी को नौकरी दूंगा तो आप उसी हिसाब से काम करोगे। आपके काम छोटा से कब बड़ा होगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। मेरी बातों पे यदि समझ नहीं आई हो तो इसको पीछे से करके फिर देखना, समझ में आ जाएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आप अपने घर में रह के कोई छोटा सा काम शुरू कर दीजिए, वो कब बड़ा हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं लगेगा। मित्र अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमें दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो है जो इस बात को समझ करके कुछ नया करना चाहता है। तो जितने भी मेरे वैक्सीनेटर दोस्त हैं, यदि आपका उसमें नौकरी नहीं हुआ है तो घबराइए मत, आप खुद का कुछ ट्राई कीजिए। अगर आपका थोड़ा सा ज़मीन है ना, उसमें कुछ लगाइए, पेड़ पौधा जो भी है लगाइए, कुछ फल वाला काम कीजिए। रातों रात अमीर थोड़ी ना हो जाता यार, पूरे साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। कंपनी में भी आपका प्रमोशन सिर्फ 6 महीने में नहीं हो जाता है, आपको भी वहाँ पे 2-3 साल देना होता है। इस बात को आप समझिए, जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं उस दिन से ही आपका एक नया जीवन शुरू हो जाता है। अगर आपका कोई मन में क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, अच्छा है या नहीं है। मेरे नॉलेज में जितना भी होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आज के दिन आप अपने आप से एक प्रण लेना चाहते हैं तो आप प्रण लेकर के एक नया काम शुरू कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक नए तरीके बताता रहता हूँ। चलिए मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।